प्रदेश सरकार द्वारा हिंदुओं के प्रमुख मंदिर बांके बिहारी वृंदावन और विंध्यवासिनी मंदिर को अधिग्रहण में लेने के फैसले पर हिंदू संगठनों में भारी रोष व्याप्त है। फैसले के विरोध को लेकर धामपुर में हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी डॉक्टर एनपी सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ता धामपुर तहसीलदार कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार डॉक्टर जगन्नाथ सिंह को महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खां द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को लेकर की गई टिप्पणी पर आजम खां द्वारा संघ से माफी मांगने की मांग की, मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। हमारे जो मुख्य मंदिर एक तो बाकी बिहला वृंदावन और विंध्यावासी विंध्याचल, उत्तर प्रदेश सरकार इनको अधिग्रहण कोशिश कर रही है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा कोई अधिकार नहीं होता कि वो इन मंदिरों को अधिग्रहण, उत्तर प्रदेश सरकार को अधिग्रहण उन धर्म स्थलों का जिनको वो पोषित कर रही है और पोषित कर रही है, पोषित करती आ रही है काफ़ी समय से। तो हम सबका हिंदूवादी संगठनों का हिंदू वाहिनी का सबका हमारा हम विरोध करते हैं और अगर ऐसी कोशिश कही तो हम सब लोग सड़कों पर उतरेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ हम जाएंगे। दूसरा, आजम खान ने जो मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के हैं उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की है हमारे आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन पर कि उसके समलैंगिक कहकर उन्होंने जो है बहुत बड़ा अपमान किया है, जबकि इस तरह का अपमान उन्हें नहीं करना चाहिए और उन्हें जो है संगठन से माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो हम उसका भी पुरजोर विरोध करेंगे और करते रहेंगे।